कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे, भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए, अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चादर लगाई जाती है, फिर घर में हीटर रखा जाता है कि कहीं निकल ना ले बुढ़ाऊ। सोचो वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया हमला करने की कह रही है उसके ऊपर, जिम में बैठा है। कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। अब हर आदमी पुतिन थोड़ी हो जाएगा, 69 years, 70 साल का आदमी वॉर चल रहा है, जिम कर रहा बैठ। सोचो वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया हमला करने की कह रही है उसके ऊपर, जिम में बैठा है। क्या डेडिकेशन उस आदमी को अपने आप को लेकर। जेलेंस्की, कपिल शर्मा, जेलेंस्की कपिल शर्मा ही तो है, इनको क्या बता राजनीति के बारे में। इनको लोगों ने चढ़ा दिया कि मौर, मौर, चढ़ गए, पलट के देखे कोई है ही नहीं। वो डेंजरस आदमी कहता हम तो जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। 70 साल की उम्र में 4 घंटे जिम में, -13 degrees पे पानी में कूद जाता है अपनी इम्यूनिटी चेक करने के लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चादर लगाई जाती है, फिर घर में हीटर रखा जाता है कि कहीं निकल ना ले बुढ़ाऊ। 55 में 70, -13 में कूद रहा है 70 साल की उम्र, सुनता ही नहीं किसी की। पानी में अगर भंवर बहुत तेज हो जाए ना तो अपनी बॉडी को छोड़ दो, हाथ पैर मारोगे नीचे चले जाओगे, खत्म। जब भी पानी में फंसो सांस रोक के बस बॉडी को छोड़ दो, बॉडी नीचे जाएगी ही नहीं, नियम है ये। अब आज गंगा में कूद के ना ट्राई करना कि देखे नीचे जा रहे कि नहीं। यहाँ तो कुछ बोलना मुश्किल है ना, पता लगा मास्टर ने कहा था नीचे नहीं जाएगी। जब तक तुम्हारी सांस रुकी रहेगी तब तक पानी के अंदर शरीर डूबेगी नहीं, ये नियम है। जब भी बहुत हलचल हो जाए पानी में ना, बस सांस रोक के छोड़ दो बॉडी। लेकिन उस वक्त हलचल में सांस रोकना वो मुश्किल हो जाता है। जितने लोग शिकार होते हैं एक्सीडेंट वगैरह में, वो इसीलिए होते हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे शांत होना, दिमाग वैसे ही नहीं शांत रहता। आंख बंद करके देखो, बड़बड़ 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 बोले जा रहा है कि तुम 40 घंटा आंख खोल करके बैठ सकते हो, 40 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकते, बैठने नहीं देगा तुमको ये। पता नहीं कहां कहां की बातें हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर लाके फेंक देगा तुम्हारे सामने जिनसे तुम कभी मिले ही नहीं हो। तुम देखोगे सड़क पे बहुत लोग बड़बड़ाते हुए चलते हैं, अपने से बोलते हुए चलते हैं। वो जो भावनाएं वो नहीं कर पा रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रही है, तो कुछ तो संयमित हैं, वो रोक ले जा रहे हैं, बड़बड़ा उनका भी मन रहा है लेकिन रोक ले रहे हैं। पर ऐसे आदमी को की नजर जब अगल बगल पड़ती है वो सीधा हो जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध को और अंबेडकर को, दो आदमी को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत। किसी भी आदमी, अंबेडकर को तुम दलित मत मानो, कोई फायदा नहीं है। अंबेडकर हर उस आदमी के लिए रास्ता है जो जिंदगी में फंस गया। अब दलितों ने क्या किया, उनको भगवान बना दिया। तो भगवान का मतलब ये कि जो वो कर रहे हैं वो भगवान थे, हम कर ही नहीं पाएंगे, बच गए दलित। और सवर्ण कहते हैं कि हम लोगों को बहुत परेशान किया है। कैसे नहीं किया, तो हम लोगों को बहुत परेशान किया। तो कैसे किया, अब किया है, अब क्या बताते कैसे किया। लेकिन वो आदमी चूंकि बुद्ध से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को यही बात तो समझ में आ गई, इतना महान कैसे बन गया वो आदमी। उस आदमी को बस एक बात समझ में आ गई कि बॉस अपने मन को जीत लो। और ये बात सिखाई किसने, उनके ब्राह्मण टीचर ने, जिसकी टाइटल ली उन्होंने अंबेडकर। नहीं तो तुम्हें कोई गाली दे और तुम डेली क्लास जाकर बैठ सकते हो, कभी नहीं बैठोगे। लेकिन वो मास्टर जो पीछे बैठा हुआ था ना, वो बताता था कि कोई बात नहीं, कृष्ण को भी गाली पड़ती थी। अगर तुम्हें कोई, जैसे तुम्हारे पास एक गुरु है और तुम फंसते हो और तुम उसके पास जाते हो और वो तुम्हें कोई एग्जाम्पल दे देता है, मतलब दुनिया को बनाने वाले जो भगवान है वो उस आदमी की महिमा गाते हैं। और उस आदमी को ये अहिर की लड़कियां कहती है इतना मक्खन देंगे नाच के दिखाओ, और वो आदमी नाचता है। जब तुम जीवन में फंसते हो ना, इसीलिए घर में माँ बाप, भाई बहन, कोई एक आदमी तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए कि जब भी तुम फंसो और तुम जाके उसको बोलो, यार क्लास में एक लड़का बदतमीजी कर दिया, हाँ बहुत अच्छा, कुछ मत बोलना, तो कल जाके थैंक यू बोल देना। जब गर्दन काटनी है तो गाली देने की जरूरत क्या है। तुमने दूसरे दिन आके उस लड़के को कह दिया कि थैंक यू यार, अच्छा किया तुमने मेरी बेइज्जती। अब अगर तुम मन में उसके वैमनस्य रखोगे, डेली नहीं पढ़ पाओगे क्लास में, डेली जैसे तुम्हारी नजर उस लड़के पड़ेगी तैसे तुम्हारा 2 किलो खून जल जाएगा। एक आदमी अपनी लाइफ में पकड़ो, एक, कोई भी एक आदमी, चाहे तुम्हारी माँ है, चाहे पिताजी है, चाहे दोस्त, कोई दोस्त मिल जाए ऐसा जो तुमको चढ़ाता रहे हर जगह पे, डरने की कोई बात मार डालो। जिनके पास भी ऐसे लोग रहे वो कभी नहीं हारे, क्योंकि हम सब इंसान है ना, उलझ जाते हैं,
तो उस उलझाहट में अगर कोई आदमी आके एक एग्जांपल दे देता है तो बस वो हिम्मत बन जाती है। औरंगजेब में एक चीज की भारी कमी थी, और वो कमी जिसके अंदर होती है कम से कम वो राजा नहीं बन सकता। या तो आप उस चीज का विकास करिए, और उस चीज को कहते हैं कॉमन सेंस। राजा हो तुम किसी को व्यक्तिगत क्यों ले रहे हो, तुम राजा हो। मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी सफाई पहुंच गए, क्योंकि अखिलेश यादव जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कॉम्पिटिटर हैं, प्रतिस्पर्धी, दुश्मन नहीं है। सारे भाजपा के नेता पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। तुम्हारे गांव में कोई भाजपा का व्यक्ति मर जाए, सपा का व्यक्ति मर जाए, तो एक दूसरे को श्रद्धांजलि नहीं देंगे, कहेंगे बहुत अच्छा हुआ मर गया। तुम्हें ये सारी घटनाएं दिखाई नहीं पड़ती? राजनीति में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, ये खेल है। राजनीति में व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता, ये खेल है। लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन औरंगजेब की तरह नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है, जिंदगी युद्ध ही तो है, और है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के बाद बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है। और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी, हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, IIT क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, IAS बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार, अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं। एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत स्वर्ग एक माला ले लो घुमाओ, अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। ऐसे बहलाता है जीवन, खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं है। इसको तुम अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो, इस संघर्ष को जो हमारे जीवनों में चल रहा है, इस संघर्ष को शांति से। क्या विरोधाभास है, संघर्ष और शांति, वॉर एंड पीस। लड़ना तो आइए, बचोगे है ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, मुंबई में, गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे? भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक दिन गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया रात भर कैसे जगते हो, शुरू से जगते थे? अरे कहा नहीं भैया, हम तो रात में सोते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते थे, हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे। लेकिन भैया अब जीवन जीने के लिए रात भर जगना पड़ता है। सैलरी कितनी? 20,000। मात्र 20,000 रुपए महीने के लिए एक व्यक्ति को रात भर जगना पड़ता है, झूलता है उसी में, नींद आती है, आंख खुल जाती है, चौकीदार है, गार्ड है, सो तो सकते नहीं, टहलता है, घूमता है, मोबाइल देखता रहता है। सोचो कितना गंदा संघर्ष चल रहा है। इन सबकी फोटो खींच लिया करो, इनको जब देखो इनकी फोटो खींच लो कि देखो बेचारे को, अभी सुबह 4 बजे 3 बजे 2 बजे आजकल एक नई गैंग है कूड़ा बीनने वालों की, 2 बजे रात में झोला वाला लेके चल देते हैं जल्दी करने के चक्कर में, कि फला फला जगह पे बोतलें पड़ी होंगी, फला फला जगह पे सामान पड़ा होगा, हम जल्दी जाके उठा ले। वहां होड़ है, जो 5 बजे उठ के निकलता है उसको कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन लड़ना कहा, कैसे? सबसे नहीं लड़ना, और माँ बाप से तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। अब तुमने एक रिक्शा वाले से कहा कि भैया हमको जरा आगे तक छोड़ दो, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे, उसने पिस्टल निकाली गोली मार दी। तुम ऑटो वाले से लड़ गए, तुम मेट्रो में सीट के लिए लड़ गए, लेकिन तुमने एक टेंडर डाला 5,000 करोड़ का नेशनल हाईवे। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही होगे, कमरे में हो ना, पड़ा होगे अभी भी, भगवान ही का हो रहा है। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना कभी माशूका कभी खुदा। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका और कभी खुदा। तो लड़ना है, पर यह पता करना है कि किसके लिए लड़ना है।